नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। मैं आज फिर से आपके सामने उपस्थित हुई एक नया उपाय, एक नया टोटका, एक नई विधि लेकर। दोस्तों, आज की विधि इतनी प्रचंड वशीकरण विधि है कि एक बार करने के बाद इसको उतारा नहीं जा सकता। इस विधि द्वारा आप हर उस व्यक्ति को अपने वश में कर पाएंगे जिसे आप वश में करना चाहते हैं। उनका ध्यान करके इस उपाय को सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे तो वह व्यक्ति निश्चित ही आपके वश में हो जाएगा, आपकी हर बात मान लेगा। और यदि वह किसी और के चक्कर में है तो उसके चंगुल से मुक्त होकर आपके पास आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं विधि बताने से पहले एक मुख्य बात आपको बता दूं कि जब भी आप इस विधि का प्रयोग कर रहे हो तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि आपके आसपास कोई और ना हो, क्योंकि अगर आप अकेले होंगे और जब इस विधि का प्रयोग करेंगे तो इसका असर आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। अन्यथा आप कहेंगे कि हमारी बताई हुई विधि का आपने प्रयोग तो किया मगर उसका कोई असर नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो आज का वशीकरण है वो पूर्ण रूप से असर करेगा, लेकिन तभी जब आप इसका प्रयोग सही तरीके से करेंगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए जानने के लिए उस प्रचंड वशीकरण विधि को जिससे आप किसी भी स्त्री को, महिला को या किसी भी लड़की को अपने वशीभूत कर सकते हैं। इस विधि के लिए आपको किसी भी प्रकार की सामग्री की आवश्यकता नहीं है। इस विधि को करने के लिए आपको अपने मन को शांत करना होगा, यानी कि जब आप इस विधि को करें तो आपका मन एक ही जगह केंद्रित हो, क्योंकि हर व्यक्ति की ध्यान करने की शक्ति एक जैसी नहीं होती है। सही ध्यान अवस्था तो वही है कि आपके पास कुछ भी हो रहा हो लेकिन आपको इसका पता भी ना चले। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना गवाते हुए मैं आपको आज की विधि बताती हूँ। सबसे पहले आपको अपने घर या बाहर किसी शांत जगह का चुनाव करना होगा जहां आप इस विधि को संपन्न कर सकें। फिर आपको किसी आसन पर बैठकर अपनी अनामिका उंगली को माथे के बिल्कुल बीचों बीच यानी कि मध्य में रखकर ध्यान लगाना है। फिर आपको एक सिद्ध मंत्र का जाप करना होगा। आपको पहले एक बार मंत्र का उच्चारण करना है, फिर उस व्यक्ति का नाम लेना है और फिर मंत्र बोलना है। विधि के सफलता पूर्वक संपन्न होते ही इच्छित व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा। दोस्तों, यदि विधि के किसी चरण को लेकर आपके मन में कोई डाउट है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमसे कॉल, व्हाट्सएप या IMO द्वारा संपर्क कर सकते हैं। जय माता।